मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आपने घर के मसालों की रानी यानी कि दालचीनी का इस्तेमाल तो कई बार किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आपकी हर बीमारी का इलाज करने में सक्षम है? और जब दालचीनी के साथ शहद को मिला दिया जाए, फिर तो समझिए हो गया सोने पर सुहागा। तो अगर आप अब तक इनके गुणों के बारे में नहीं जानते तो जुड़ जाइए हमारे संग, क्योंकि आज हम बात करेंगे दालचीनी और शहद के अनमोल गुणों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं इसके फायदे। सबसे पहले तो इसका फायदा कैंसर में बेहद ज्यादा होता है। दालचीनी का इस्तेमाल कैंसर जैसे रोग पर नियंत्रण पाने में सक्षम होता है। वैज्ञानिकों ने आमाशय के कैंसर और हड्डी के बढ़ जाने की स्थिति में दालचीनी और शहद को लाभदायक बताया है। एक महीने तक गर्म पानी के साथ दालचीनी और शहद का सेवन करने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों में बेहद फायदा होता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है, जिसकी वजह से शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। बात करेंगे अब हृदय रोग की। हृदय को स्वस्थ बनाए रखने और हृदय रोगों पर नियंत्रण रखने में दालचीनी सहायक होती है, क्योंकि ये हृदय की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल को जमने से रोकती है। रोजाना शहद और दालचीनी का गर्म पानी के साथ सेवन करें तो आप दिल की बीमारियों से बेहद दूर रहेंगे। बात करते हैं अब एक आम समस्या की, जिसे कि हम मोटापा कहते हैं। मोटापे के लिए दालचीनी का सेवन रामबाण माना जाता है। ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे मोटापा नहीं बढ़ता। इसके साथ ही दालचीनी की चाय बेहद फायदेमंद होती है। बात करते हैं अब जोड़ों के दर्द की। जोड़ों में होने वाले दर्द पर दालचीनी का इस्तेमाल बेहद राहत देता है। इसके लिए रोजाना गर्म पानी के साथ दालचीनी का सेवन करें तो फायदा होगा। पांचवा फायदा होता है दालचीनी का सर्दी खांसी में। सर्दी खांसी या गले की तकलीफों में दालचीनी बेहद असरकारक दवा के रूप में काम करती है। एक चम्मच शहद में एक चुटकी दालचीनी पाउडर डालकर लेने से जुकाम में काफी फायदा होता है। आप गर्म या गुनगुने पानी में दालचीनी के पाउडर को शहद के साथ मिलाकर पी सकते हैं। दालचीनी के पाउडर को पिसी हुई काली मिर्च के साथ सेवन करने से भी कफ में, साथ ही साथ पुराने कफ में भी काफ़ी राहत मिलती है। ठंडी हवा लगने या सर्दी की वजह से होने वाले सिर दर्द में दालचीनी का लेप काफ़ी फायदेमंद होता है। गर्मी की वजह से होने वाले सिर दर्द में दालचीनी और तेजपत्ते को मिश्री के साथ चावल के पानी में पीसकर सूंघने से सिर दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा दालचीनी के तेल में आप कुछ बूंद तिल का तेल मिलाकर सिर पर मालिश करें तो भी सिर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। बात करते हैं अब आठवें पॉइंट की। त्वचा और बालों के सौंदर्य में भी दालचीनी पीछे नहीं है। ये त्वचा को निखारने के साथ ही झुर्रियों को भी कम करती है। दालचीनी पाउडर को नींबू के रस में मिलाकर लगाने से मुहासे और ब्लैक हेड्स दूर होते हैं। एक नींबू के रस में दो बड़े चम्मच जैतून का तेल, एक कप चीनी, आधा कप दूध, दो चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर 5 मिनट के लिए शरीर पर लगाएं। इसके बाद नहा लें, त्वचा खिल उठेगी। बात करते हैं अब 9वें पॉइंट की। दालचीनी के तेल का इस्तेमाल दर्द, घाव और सूजन को खत्म करने के लिए किया जाता है। ये त्वचा की खुजली को खत्म करने के साथ दांतों के दर्द में भी राहत देता है। मुंह से बदबू आने की समस्या में दालचीनी को मुंह में रखकर चूसना बेहद फायदेमंद होता है। बात करते हैं अब आखिरी पॉइंट की। दालचीनी और शहद के मिश्रण का सेवन कान के रोगों को भी दूर करता है और बहरेपन की समस्या को भी समाप्त करता है। दालचीनी के तेल की कुछ बूंदें कान में डालने से लाभ मिलता है। अस्थमा और लकवे की शिकायत होने पर भी ये बेहद फायदा पहुंचाता है। उम्मीद करते हैं दालचीनी और शहद के ये इस्तेमाल आपको बेहद पसंद आए होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और घरेलू जानकारियों के साथ, कुछ और घरेलू टिप्स के साथ। फिलहाल बोल्ड स्काई में बस इतना ही।